Hello, I'm Dr. Deepanshu Gurnani. I'm a consultant in ENT and head neck surgery at Narayana Hospital, Jaipur. आज हम लोग CSOM के बारे में बात करेंगे. कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि बच्चे की मरीज का कान बह रहा है या उसे सुनाई कम दे रहा है. अक्सर हम अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं कि वो कम सुनता है या उसका कान बहता है. ये चीज़ मजाक बनाने जैसी चीज़ नहीं है. ये एक सीरियस बीमारी है जिसे हम लोग CSOM बोलते हैं, यानी कि क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया. मरीज़ को जो दिक्कतें होती हैं उनमें सबसे कॉमन होती है कम सुनाई देना, बार बार कान बहना, कभी कभार कान में दर्द महसूस होना और कभी कान में से खून निकलना. ये सब दिक्कतें इस वजह से होती हैं कि मरीज़ के कान के पर्दे में छेद है, कभी कभार कान के अंदर की और पीछे की हड्डी साथ में गली हुई है, जिसकी वजह से बार बार मरीज़ को पानी निकलने की या मवाद निकलने की परेशानी होती है. मरीज़ इस चीज़ से परेशान रहता है, इसीलिए अपने आसपास किसी डॉक्टर के पास जाके अक्सर दवाई ले लेता है और कभी कभार उससे ठीक भी हो जाता है और लंबे टाइम तक इस चीज़ को निगलेक्ट करता है, जिससे कि बीमारी बढ़ती है. हमारी एडवाइस यही रहती है कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो अपने नज़दीक ENT डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इस चीज़ में कुछ जाँचें हैं जो कि बहुत अनिवार्य हैं. सबसे पहली चीज़, इसमें कान की एक दूरबीन की जाँच होनी ज़रूरी है, जिसे हम लोग ऑटोस्कोपी बोलते हैं. कान की एक सुनाई की जांच होनी ज़रूरी है कि अभी तक सुनाई में कितनी कमी आ चुकी है, और कभी कभार ऐसे केसेस में हम लोगों को CT स्कैन करवाने की भी ज़रूरत पड़ती है. मरीज़ को स्ट्रिक्ट एडवाइस दी जाती है कि वो अपना कान हमेशा सूखा रखे, नहाते टाइम कान के अंदर रुई भरे, कान के अंदर किसी भी परिस्थिति में पानी ना जाने दे, स्विमिंग वगैरह ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें, बरसात में ना भीगे, और ठंडा और खट्टा थोड़ा खाना अवॉइड करें, क्योंकि ये सब चीज़ें कान बहना एग्रेवेट करती हैं, जिससे मरीज़ की परेशानी बढ़ सकती है. शॉर्ट टर्म में जब कान बहता है तब हम मरीज़ को एंटीबायोटिक और ईयर ड्रॉप से ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, जिससे कान सूख जाता है. और एक बार कान सूख जाता है उसके बाद डिपेंड करता है कि जो होल है उसका साइज़ कितना है और गलाव कितना है, उस हिसाब से मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है. अगर मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उस चीज़ को एंडोस्कोपिकली या माइक्रोस्कोपिकली करते हैं. सर्जरी का नाम टिम्पैनोप्लास्टी है. कभी कभार साथ में हड्डी की भी हम लोग सर्जरी करते हैं, जिसे मैस्टोडेक्टमी बोलते हैं. सर्जरी पूरी तरह से माइक्रोस्कोप से, यानी कि दूरबीन से करी जाती है. सर्जरी एक डे केयर प्रोसीजर है. पेशेंट सेम दिन छुट्टी ले लेता है. ओवरऑल सर्जरी के रिजल्ट्स अराउंड 95-98% है. सर्जरी करवाने के बाद पेशेंट्स को दोनों ही एडवांटेज मिलते हैं. पहली चीज़, उनकी सुनाई इम्प्रूव हो जाती है और बार बार कान बहना बंद हो जाता है. अगर आपके किसी दोस्त को, रिश्तेदार को ये दिक्कत है तो उसका मजाक ना बनाएं, उसे प्रमोट करें, उसे मोटिवेट करें कि वो अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर को दिखाएं और इस चीज़ का इलाज करवाएं. थैंक यू.